यूपी के शाहजहांपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। सपाइयों का आरोप है कि सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सपा जिला अध्यक्ष ने धमकी दी है कि अगर मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यहां आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान, सपा के पूर्व विधायक राजेश यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता एसपी ऑफिस में पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक को 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। सपा का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को मनोबल तोड़ने, पार्टी को कमजोर करने की नीयत से साजिश की जा रही है। फर्दी मुकदमे दबाव में, सत्ता पक्ष के दबाव में लिखे जा रहे हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर में कई थानों में फर्दी मुकदमे लिखे गए हैं। उसी के तहत हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जायज़ मांगे हैं। ये जायज़ मांगों को मंगवाने के लिए मेमोरेंडम, 6 सूत्रीय मेमोरेंडम, तमाम और समस्याएं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी, जो पुलिस से जुड़ी समस्याएं हैं, पुलिस अधीक्षक एसपी दिया है, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, आश्वासन दिया गया है कि जो इसमें इस पर जाँच करा के फर्दी मुकदमों को, हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग की है कि हम जो भी फर्दी मुकदमे हैं उन फर्दी मुकदमों को वापस लिया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या कुछ करेंगे आप? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन समाजवादी पार्टी आंदोलन का रास्ता, हम लोग सड़कों पर निकले हैं। आज आपने देखा है सड़कों पर निकलने हम लोग दूर नहीं है, पीछे नहीं है कहीं पर भी। समाजवादी पार्टी संघर्ष के मामले में पीछे नहीं रही है कभी भी। माननीय अखिलेश यादव जी का फरमान है, कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग पूरी जी जान से समाजवादी पार्टी हर बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ी है, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पार्टी के सारे नेता खड़े रहेंगे, पूरी मदद करेंगे पुलिस। अब आप ये कई मामले बेवजह ही तो मनोबल तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कई थानों के मामले हैं दे दिए हैं, कई थानों के मामले एसपी साहब को दे दिए हैं।